तो आज की इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले यौगिकों के गुण, उनके उपयोग, उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं NaCl के बारे में, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आज NaOH। NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में हम आज बात करेंगे CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके साथ में ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके साथ ही सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं धावन सोडा, और बाद में हम बात करेंगे इसके साथ ही जिप्सम की और प्लास्टर ऑफ पेरिस की यानी कि POP की। आज हम सबसे पहले जिस यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे उस यौगिक का नाम रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका विद्यार्थियों फॉर्मूला रहता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये NaOH किसका सूत्र, किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम इस प्रकार से कहेंगे ये Na प्लस है, ये यहाँ पे OH माइनस है, और इसका जो अणुसूत्र बाद में बनेगा वो क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। ये धन आयन हो जाता है, ये ऋण आयन हो जाता है, एक साइड धन आयन एक साइड ऋण आयन, और अणुसूत्र क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका एक रूड नाम होता है, इसको एक रूड नाम से पहचाना जाता है। फैक्ट्रियों के अंदर जो मजदूर होते हैं वो इसको कास्टिक सोडा कह के पुकारते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रूड नाम होता है वो कास्टिक सोडा होता है। नॉर्मली अगर एक बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के pH अलग अलग होते हैं, लेकिन जो एक प्रबल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका pH मान हमेशा 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है एक प्रबल NaOH का। प्रबल NaOH का मतलब है सांद्र NaOH। प्रबल का मतलब होता है सांद्र, जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है लेकिन उसमें क्षार की मात्रा बहुत अधिक है। अगर उस क्षार के अंदर पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा कर दी जाए तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि वो तनु हो जाता है। तनु का मतलब उसमें पानी की मात्रा अधिक है, सांद्र का मतलब है पानी की मात्रा कम है जबकि उसके अंदर क्षार की मात्रा अधिक है। तो एक प्रबल क्षार या एक सांद्र NaOH जो होता है उसका pH मान कितना होगा, 14 होगा। अब आपसे परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो 14 होता है ये 14 प्रकृति में कैसा है। तो pH स्केल पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, pH स्केल में मैंने आपको बताया था कि पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक, 7 पैमाना उदासीन होता है, 7 के बाईं तरफ अम्लीय, 7 के दाईं तरफ वाले क्षारीय। तो 14 कहाँ पे आ रहा है, 7 के दाईं तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 7 के दाईं तरफ आने का मतलब है यह कैसी प्रकृति होगी, इसकी क्षारीय प्रकृति होगी। अगर हम बात करें औद्योगिक स्तर पर इसके निर्माण की, तो NaCl का विद्युत अपघटन करने पर, किसका, NaCl का विद्युत अपघटन करने पर किसका निर्माण हो जाता है, NaOH का निर्माण हो जाता है, जो कि कैथोड पर विलयन के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे इस NaOH के गुण की और NaH के उपयोगों की। तो गुण में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। कैसा होता है, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। इस पदार्थ का गलनांक 591 केल्विन होता है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है और जलीय विलयन में इसका आयनन हो जाता है। कैसे होता है, जलीय विलयन में इसका आयनन हो जाता है Na+ व OH- में। तो जलीय विलयन में आयनित हो जाता है Na+ व OH- में, जल में शीघ्रता से विलय हो जाता है, गलनांक इसका 591 केल्विन होता है, और ये एक चिकना श्वेत ठोस पदार्थ होता है। उपयोगों की बात करें तो साबुन उद्योग के अंदर, कागज उद्योग के अंदर, शिल्क उद्योग के अंदर और रसायनों के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बॉक्साइड के धातु क्रम में इसका उपयोग होता है। ये जो बॉक्साइड है इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं Al2O3.H2O। ये जो बॉक्साइड होता है इससे किसका निष्कर्षण होता है, इससे होता है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। पेट्रोलियम के शोधन में, यानी कि पेट्रोलियम को परिशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शोधन करने के लिए किसका उपयोग होता है, NaOH का उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। वसा व तेलों के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। चलते हैं आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में और नए यौगिक में।
हमारा जो नया यौगिक है वो विद्यार्थियों आपके सामने है विरंजक चूर्ण, या जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण, जिसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसको ब्लीचिंग पाउडर कह सकते हैं, इसको विरंजक चूर्ण कह सकते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हैं, जिसका सूत्र जिसका फॉर्मूला विद्यार्थी होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका रूट नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हम उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस ब्लीचिंग पाउडर की या इस विरंजक चूर्ण की, तो इस विरंजक चूर्ण का सबसे पहले हम निर्माण करते हैं, यानी कि इसको बनाते कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन पढ़ते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाई जाती है तो विद्यार्थियों विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यानी कि CaOCl2 का निर्माण होता है। इसकी हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने का मतलब है CaOH2 इसकी अभिक्रिया, इसकी क्रिया हम कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ में, तो यहां से उत्पाद के रूप में बनेगा CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए यहाँ पे Ca काम में आ गया, एक ऑक्सीजन काम में आ गया और Cl2 काम में आ गया। बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बचा है ऑक्सीजन और दो बचे हैं H2, यानी कि क्या बचेगा, H2O बचेगा। तो विरंजक चूर्ण के साथ में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, जल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आप आंसर दोगे कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करवाने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला रहता है, साथ में जल बन जाता है। इसके साथ हम आगे बात करते हैं विरंजक चूर्ण की या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की, इसको हम आगे थोड़ा और अध्ययन करते हैं। बात करें हम इस विरंजक चूर्ण की, तो जब इसको हवा में खुला छोड़ा जाता है, विद्यार्थियों जब विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ा जाता है, या इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ में कराई जाती है, अम्ल से अभिक्रिया। दो चीजें ध्यान रखना, या तो इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए या फिर यह किसी अम्ल से अभिक्रिया कर ले। तो जब कभी भी इसको हवा में खुला छोड़ा जाता है या अम्ल से रिएक्शन करता है तो यहां पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। एक हम केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये CaOCl2 है, CaOCl2 इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2SO4 के साथ में। जब H2SO4 के साथ में इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, ध्यान देना, Ca का SO4 के साथ में कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा, प्लस यहां पर देखिए विद्यार्थियों यहां पे O है, यहां पे H2 है, यानी कि जल बन जाएगा और साथ में क्या मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहां पे बन गई क्लोरीन गैस। तो जो क्लोरीन गैस विद्यार्थियों यहां पे बनी है, इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जब जल के साथ में कराई जाती है, H2O के साथ में कराई जाती है, इस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया जल के साथ में करवाई जाती है, तो उत्पाद के रूप में
2HCl का निर्माण होगा और साथ में विद्यार्थियों बनेगा नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा? नवजात परमाणविक ऑक्सीजन बन जाएगा। मैं यहां से एक बार विद्यार्थी इसको पूरा क्लियर कर रहा हूं जिससे कि आपको स्लाइड साफ दिखे, आसानी से समझ में आ जाए। लिख देती हैं, सबसे पहले CaOH2+Cl2, तो यहां से हो जाएगा विरंजक चूर्ण का निर्माण, CaOCl2+ और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा, H2O बनेगा। जब इस विरंजक चूर्ण को CaOCl2 को खुला छोड़ा जाता है या इसकी अभिक्रिया किसी तनु अम्ल के साथ में कराई जाती है तो इस प्रकार से उत्पाद बन जाएगा CaSO4, साथ में बन जाएगा H2O, तो यहां पर हम लिख देंगे H2O और इसके साथ में ही उत्पाद के रूप में बन जाती है कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। तो उत्पाद के रूप में यहां पे बन जाती है क्लोरीन गैस। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो ये क्लोरीन गैस मुक्त हुई है, जब ये क्लोरीन गैस आगे जाकर जल से रिएक्शन करती है, जल से अभिक्रिया करती है, तो अम्ल का निर्माण होता है, 2HCl का निर्माण होगा और इसके साथ में बनेगी नवजात परमाणविक ऑक्सीजन। क्या बन जाएगी विद्यार्थियों? नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। यहां पर विद्यार्थियों जो ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण होता है यह आगे चलकर विरंजन की क्रिया में भाग लेती है। ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन किस क्रिया में भाग लेती है? विरंजन की क्रिया के अंदर भाग लेती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पदार्थ रंगीन है, और इस पर हमने किसकी अभिक्रिया करवा दी? नवजात परमाणविक ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा दी, तो रंगीन पदार्थ कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। कैसा विद्यार्थियों? रंगहीन हो जाता है। रंगीन होता इसलिए है क्योंकि जो ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन है इसकी प्रकृति जो है वो ऑक्सीकारक होती है। ऑक्सीकारक का मतलब है दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करना, लेकिन खुद का क्या होता है? खुद का अपचयन होता है। किसी दूसरे पदार्थ को ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन क्या कर देती है? ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑक्सीकारक, क्योंकि किसी दूसरे पदार्थ से ऑक्सी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण उस पदार्थ का रंग चला जाता है, यानी कि वो रंगहीन हो जाता है। आगे हम बात करेंगे इसी के अंदर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण के गुण क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इसके गुणों को पढ़ेंगे और इसके बाद में हम इसके उपयोगों को भी पढ़ लेंगे। पहले गुणों को पढ़ेंगे फिर हम इसके उपयोगों को भी पढ़ लेंगे। गुण में पहला गुण, पीला पदार्थ है, गंध में ये तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण गंध वाला है। तीक्ष्ण का मतलब है तीखा होगा, तो यहां पे आपने देखा पीला तीक्ष्ण गंध वाला तीखा पदार्थ होता है CaOCl2 या विरंजक चूर्ण। इसके बाद अगर इसकी बात की जाए जल में विलेयता की, तो जल में ये विलेय होता है, लेकिन कैसे जल में? ठंडे जल में, जो ठंडा जल होता है कोल्ड वाटर होता है, ठंडे जल में विलेय होता है। तो विरंजक चूर्ण के गुणों को पढ़ने के बाद हम इसके उपयोगों को पढ़ लेते हैं कि विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग होते हैं। बात करें हम विरंजक चूर्ण के उपयोगों की, तो इसका जो पहला उपयोग होता है विद्यार्थियों वो रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में, रंगीन पदार्थ को रंगहीन बनाने में। नॉर्मली अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग की,
तो वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में विरंजन के रूप में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त तो बात करते हैं तो जल को शुद्ध करने में, जल के शुद्धिकरण के अंदर, जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। पांचवा इसका उपयोग पढ़ते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। और लास्ट में इसको पढ़ते हैं तो ये एक प्रयोगशाला अभिकर्मक भी है, ये एक प्रयोगशाला अभिकर्मक है। वापस से देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण एक पीला तीक्ष्ण गंध वाला तीखा पदार्थ होता है। जल यानी कि ठंडे जल में ये विलय होता है। उपयोगों की बात करते हैं तो वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में विरंजन के रूप में इसका उपयोग होता है, जल के शुद्धिकरण के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ऑक्सीकारक का मतलब है किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत करना, खुद का अपचयित होना, किसी दूसरे पदार्थ के ऑक्सी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना जिससे कि दूसरा पदार्थ रंगहीन हो जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। लैब के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप क्लास 11, क्लास 10 या 12 के अंदर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप देख रहे होंगे कि वहां पर आप अपनी लैब के अंदर CaCl2 को देखते होंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण को देखते होंगे। कहने का मतलब हुआ कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। तो ऑल ओवर ये हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या विरंजक चूर्ण। चलिए आगे हम विद्यार्थियों नेक्स्ट चलते हैं आगे एक और नई यौगिक में। हमारे सामने अब आएगा नेक्स्ट यौगिक हमारा है सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा। धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं धोने का सोडा, धोने का सोडा। अगर हम बात करें इसके सूत्र की तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 Na2CO3 किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट के साथ में 10 क्रिस्टलन जल के अणु प्रेजेंट होते हैं। इसको धोने का सोडा या धावन सोडा कहा जाता है। यहां पर ये हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ये किसका सूत्र है? ये विद्यार्थियों सूत्र है सोडियम कार्बोनेट का। जब इसको गर्म किया जाता है, इसको हीट दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है कितने तापमान पे? तो 373 केल्विन तापमान पर जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट के साथ में जो 10 जल के अणु हैं वो टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से Na2CO3 अलग हो जाता है और जल के अणु क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। जब ये Na2CO3 अलग होता है, पृथक होता है, तो इसको एक अलग नाम से जाना जाता है। इसको हम कहेंगे अब सोडा ऐश, सोडा ऐश, सोडा ऐश के नाम से इसको हम जानेंगे, सोडा ऐश। क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट था उससे जल के अणु क्या हो गए? पृथक हो गए। जल के अणु जब पृथक हो जाते हैं तो Na2CO3 को हम सोडा ऐश कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के गुण व उपयोगों की, किसके क्या क्या गुण व क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, गुण व उपयोग। सबसे पहले गुण की बात करते हैं,
तो ये एक श्वेत श्वेत ठोस पदार्थ होता है, श्वेत ठोस पदार्थ है जो जल में विलय होता है। श्वेत ठोस पदार्थ है जो जल में विलय होता है। अगर हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो विद्यार्थियों क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसके गुण आपने देख लिए, श्वेत ठोस पदार्थ है, जल में विलय होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। बात करें हम इसके उपयोगों की, तो इसका पहला उपयोग है सफाई में, सफाई में इसका उपयोग होता है। दूसरा हम बात करते हैं इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक निर्माण में होता है, साबुन व अपमार्जक निर्माण में इसका उपयोग होता है। कई उद्योग जैसे कि पेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, इसका इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लिया जाता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो वापस से देख लीजिए, गुण श्वेत ठोस पदार्थ है, जल में विलय होता है, क्षारीय प्रकृति होती है, उपयोग इसका सफाई में होता है, साबुन व अपमार्जक के निर्माण में, पेंट वस्त्र कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। चलिए विद्यार्थियों आगे हम एक नए यौगिक में चलते हैं। यहां पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा है, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का खाने का सोडा, इसको क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम हो जाता है, रासायनिक नाम हो जाता है, सूत्र NaHCO3 है, रूड नाम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा है। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं, इसके निर्माण की बात करते हैं। तो इसका निर्माण विद्यार्थियों दो तरीके से होता है। हम पहला तरीका भी काम में लेंगे, दूसरा तरीका भी काम में लेंगे, दोनों तरीकों से हम समझेंगे कि किस प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले पहला तरीका देख लेते हैं NaCl को, और दूसरे तरीके के अंदर हम काम में लेंगे सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को। NaCl की अभिक्रिया हम करवाएंगे CO2 के साथ में, जल के साथ में और अमोनिया के साथ में। जब हम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया के साथ में कराते हैं तो एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा विद्यार्थियों, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। देख लेना इधर से, ये NH3 एक यहां पर हो गया, एक हाइड्रोजन यहां से ले लेंगे और एक Cl ये रहा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा N, यहां से आ गया H3 और एक यहां पर लिख दिया मैंने 4 NS4 और यहां पर ये Cl यहां पर रख दिया, तो NS4Cl जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। पीछे जो बचेगा उसको हम यहां पे लिख देंगे, देखिएगा इधर Na
यहां पे मैंने लिखा Na, यहां पे क्या लिख दिया Na लिख दिया। यहां पर दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन मैंने यहां रख दिया, एक हाइड्रोजन यहां शेष बचा था, तो यहां पे मैंने यहां पर लिख दिया H। CO2 यहां पे है, एक ऑक्सीजन ये रहा यानी कि CO3 हो गया। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, NaHCO3। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं NaHCO3। तो पहला NaHCO3 का फॉर्मेशन किसकी सहायता से हमने कर लिया, NaCl की सहायता से कर लिया, NaCl से निर्माण हमने पढ़ लिया। दूसरा हम इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट से भी कर लेंगे। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हम करवाएंगे CO2 के साथ में और जल के साथ में। जब CO2 और जल के साथ में Na2CO3 की रिएक्शन करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में बनता है 2NaHCO3, 2NaHCO3 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का निर्माण कहाँ से होगा, NaCl से हो जाएगा या फिर इसका निर्माण Na2CO3 से हो जाएगा। इसको हम आगे पढ़ते हैं कि अब हमने इसका निर्माण तो कर लिया, अब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण तो कर लिया, निर्माण के बाद इसका हम एक यूज देख लेते हैं, इसका उपयोग देख लेते हैं। जो विद्यार्थियों केक इत्यादि होते हैं इनको फुलाने के अंदर, इनको फुलाने में किसका यूज होता है, NaHCO3 का यूज होता है। किस प्रकार से होता है उसको समझिएगा। देखिए यहां पर ये कोई बर्तन है जिसके अंदर हमने खाद्य पदार्थ भर रखा है, क्या भर रखा है, कोई खाद्य पदार्थ भर रखा है। अब इस खाद्य पदार्थ के अंदर विद्यार्थियों हम क्या मिक्स करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा या NaHCO3, CO3 हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद विद्यार्थियों जब इसको गर्म किया जाता है, तो जब खाद्य पदार्थ के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिलाया जाता है और इसको गर्म किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से CO2 गैस मुक्त होती है। CO2 गैस बुलबुले बनाते हुए बाहर निकल जाती है इस प्रकार से। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विद्यार्थियों छिद्र बन जाते हैं और जो ये खाद्य पदार्थ होता है ये खाद्य पदार्थ फूल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा केक इत्यादि को कि वो फूले हुए होते हैं। रीजन ये है कि उसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बन मिलाकर इसको गर्म किया जाता है तो CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और केक वहां से फूल जाता है। तो ये इसका हो जाता है एक बड़ा यूज। इसके बाद हम इसके गुणों को पढ़ लेते हैं, बात करें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, श्वेत क्रिस्टलीय, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा हम इसके बारे में बात करते हैं, यह जल में अल्प विलेय होता, अल्प का मतलब है कम, अल्प विलेय, कुछ घुलता है कुछ नहीं घुलता है। तीन नंबर पे बात करेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, यानी कि किसी भी अम्लीय पदार्थ को उदासीन करने की क्षमता रखता है। अगर हम बात करें इनके उपयोगों की, हम बात करते हैं तो सबसे पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो उपयोग होता है वो खाद्य पदार्थों में होता है, दूसरा इसका उपयोग सोडा वाटर व शीतल पेय पदार्थों में होता है,
शीतल पेय पदार्थों में इसका उपयोग होता है, शीतल पेय पदार्थों में। तीसरा, ये एक क्षारीय पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग अम्लीयता को उदासीन करने में होता है। जब हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने से पेट की एसिडिटी कम हो जाती है। जब कोई कीट डंक मारता है और वहाँ पे अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लगाते हैं तो दर्द कम हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो पेट में अम्लीय पदार्थ पड़ा हुआ था उसमें ज्वाई क्षारीय पदार्थ गया तो उदासीन हो गया, ज्वाई हाथ में चींटी ने डंक मारा यानी कि अम्लीय पदार्थ छोड़ा और वहाँ पे हमने क्षारीय पदार्थ का लेप किया तो तुरंत हमारा दर्द गायब हो गया। तो क्षारीय पदार्थ है जो कि अम्लीयता को उदासीन करने में काम में आता है। चौथी बात करें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो अग्निशमन पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता है। अग्निशमन यानी कि कहीं पे आग लग जाती है तो इसके फवारे छोड़ के उस आग को बुझाया जाता है। पांच नंबर पे अगर हम बात करें इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो ये भी एक प्रकार का प्रयोगशाला अभिकर्मक है। नेक्स्ट हम विद्यार्थियों आगे एक और नए यौगिक में चलते हैं, वो है जिप्सम और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम अलग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी अलग है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जिप्सम की। जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है विद्यार्थियों CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ में जब दो जल के अणु जुड़े होते हैं तो हम कहते हैं कि वह पदार्थ जिप्सम है। जब इस जिप्सम को गर्म किया जाता है 393 केल्विन तापक्रम पर, 393 केल्विन तापक्रम पर जब इस जिप्सम को गर्म किया जाता है तो विद्यार्थियों पीओपी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। सूत्र इसका मैं लिख देता हूं CaSO4.12H2O। इस रिएक्शन को हम संतुलित करते हैं। इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यहां पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करने से कैल्शियम सल्फेट के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। तो यहां पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि इस कैल्शियम सल्फेट के भी कितने अणु हो जाएंगे? 2 अणु हो जाएंगे। अब जल को संतुलित कर देते हैं, जल के यहां पर 2 और 2 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में 4 जल के अणु हैं, लेकिन यहां पर केवल आधे का गुणा 2 के साथ में 1 जल का अणु है तो 3 जल के अणु इसके साथ में और होंगे, 3H2O। तो इस प्रकार से जिप्सम को जब 393 केल्विन तापक्रम देकर गर्म किया जाता है तो पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें इस पीओपी की, तो इस पीओपी का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसको पीओपी विद्यार्थियों इसलिए कहा जाता है, इसको पीओपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए इसको कहा जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए आगे हम इसको थोड़ा और अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे जिप्सम का फॉर्मूला लिख देते हैं CaSO4.2H2O। इसको जब हमने गर्म किया तो किसका निर्माण हुआ? CaSO4.12H2O का निर्माण हुआ।
साथ में तीन जल के अणु बने। जब इसको विद्यार्थी हम और गर्म करते हैं तो केवल CaSO4 का निर्माण होता है, जो हाफ H2O है वो भी विद्यार्थियों क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो सबसे पहले जिप्सम को हमने गर्म किया, जिप्सम को गर्म किया तो क्या बन गया, POP बन गया, और जब POP को गर्म किया तो बन गया विद्यार्थियों मृत तापित प्लास्टर। क्या बन गया, मृत तापित प्लास्टर का निर्माण हो गया। इसको हम कहते हैं डेड ब्रंट प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर या मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। जब पीओपी को और गर्म किया जाता है तो उससे जल के अणु पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थी हम चलते हैं इसके गुणों के बारे में और उपयोगों के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके गुण। ये एक श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है, श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। दूसरा, इसमें जल सम्मिलित करने पर, जल ऐड करने पर जिप्सम का निर्माण हो जाता है। जब विद्यार्थियों इसको और गर्म किया जाता है तो मृत तापित प्लास्टर बनता है, मृत तापित प्लास्टर बनता है। जब विद्यार्थियों इसके अंदर 15 से 20 मिनट तक पानी मिला के रखा जाता है तो ये जमकर ठोस हो जाता है। तो ये कुछ इसके क्या है विद्यार्थियों, इसके कुछ गुण हैं। पहला, श्वेत ठोस चिकना पदार्थ है, इसमें जल ऐड करने पर ये जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको और गर्म करने पर, हीट देने पर ये ब्रंट, डेड ब्रंट प्लास्टर बना देता है। और 15 से 20 मिनट तक इसमें अगर पानी मिला के रखा जाता है तो ये जमकर ठोस पदार्थ का रूप ले लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कुछ उपयोगों की, इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं। पहला इसका उपयोग है भवन निर्माण के अंदर, भवन निर्माण के अंदर। दूसरा, दंत चिकित्सा के अंदर इसका उपयोग होता है, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। तीसरा, अग्निशह पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग होता है, अग्निशह पदार्थ के निर्माण में। अग्निशह पदार्थ का मतलब है वह पदार्थ जो अत्यधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, जो अत्यधिक ताप सहन कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अग्निशह पदार्थ। इनके निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त सजावटी सामान बनाने में भी POP का उपयोग होता है। और इसका सबसे बड़ा विद्यार्थियों जो उपयोग होता है वो हड्डियों को वापस जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को वापस जोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। तो मेजर और बड़े बड़े उपयोग हैं भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, अग्निशह पदार्थ के निर्माण में, सजावटी सामानों को बनाने के अंदर, और टूटी हड्डियों को वापस जोड़ने में POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो विद्यार्थी, इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ यौगिकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें आपने इनका फॉर्मेशन पढ़ा, जिनका आपने गुण पढ़े, इनके आपने उपयोग पढ़े। अगर यहाँ से आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।